अगर इस तरह से होता रहेगा तो हमने आपको पहले भी बताया कि फिर इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा, खंडक से कोई नहीं बचा पाएगा, इसका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और हो गया तो आशा रखेंगे आने वाली पीढ़ी, आशा रखेंगे नहीं कुछ होगा। योगी सरकार, मोदी सरकार, कोई भी सरकार हो, पूरे देश से हमारी बस यही मांग है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुलजिम ये पांचों के नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। बस हमको जैसे हम सामने बैठे थे ISU में, तो डॉक्टर सामने बैठे थे तो कहने लगे, जब मैं अंदर, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकता था, गेट पे खड़ा था, चुपके से देख रहा था कैसे क्या है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कौन, अच्छा आप हैं, हमने कहा सर कुछ उम्मीद है, कहने लगे हम आपको तो बता चुके, दो दिन पहले बताए थे जितने आए थे, नॉर्मल ISU में इंसान क्यों रखा जाता है और दिल्ली क्यों भेजा गया, लखनऊ क्यों नहीं रखा गया, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ISU का मतलब है नामुमकिन, समझ रहे हो, इसीलिए ISU में रखा गया है। और हम ये जानते हैं कि जिस दिन रखा गया था, अगर ये पाइप के द्वारा अगर नली नहीं होती तो, लेकिन हम तो गले मिले हैं ना, तो हमको तो मालूम था ना कि इसको अभी जान है, इसलिए उम्मीद थी कि बचेगी, लेकिन नहीं। ISU का मतलब बस यही है नामुमकिन, और यही हमारी सबसे करारी हार है, और इसीलिए हम शर्मिंदा हैं कि जिसको जाना था वो आपसे बात कर रहा है और जिसको रहना था वो इतने है नहीं। ये है सच्चाई, ये है।